फुरफुरी नगर के प्यारे प्यारे बच्चों को हम सब की तरफ से हैप्पी चिल्ड्रंस डे। आज इस मौके पर बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए बहुत सारे स्टॉल्स लगाए गए हैं। सबके उत्साह को देखते हुए हमने ये फैसला लिया है कि जिसका स्टॉल बच्चों को सबसे ज्यादा पसंद आएगा और जहां पर बच्चे सबसे ज्यादा खुश होंगे, उस स्टॉल के ओनर को बेस्ट सिटीजन ऑफ फुरफुरी नगर घोषित किया जाएगा। डॉक्टर झटका, स्टॉल लगाने का हमको 20 साल का तजुर्बा है। देखना, बेस्ट सिटीजन हम लोग ही बनेगा। कोई और बेस्ट सिटीजन बने ना बने, पर मोटू पतलू को मैं कभी भी बेस्ट सिटीजन के अवार्ड नहीं लेने दूंगा। मेरे शैतानी दिमाग के किचन में एक तूफानी आइडिया पक रहा है। तुम भी लो। अंतल अंतल, मुझे भी बलून दो ना, दो ना। वो लेड वाला, लेड वाला, नहीं नहीं, ग्रीन वाला, ग्रीन वाला। अरे बच्चे, तुम्हें रेड ग्रीन दोनों दूंगा, लेकिन थोड़ा सा वेट करो, हमारे पास बहुत सारे गुब्बारे हैं, सबको मिलेंगे, एक एक करके सबको मिलेंगे। अरे रुको तो। नहीं नहीं अंकल, मुझे तो अभी चाहिए, जल्दी से बलून दो ना। बलून बलून बलून। अंकल, ये नीचे क्या गिरा है? मतलब मुझे तो नीचे कुछ भी नहीं मिला, लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है कि जमीन मुझसे और मैं जमीन से दूर जा रहा हूँ? मोटू ऊपर देखो, ये तुम उड़ने कैसे लगे? वो दे दो, अंतल तो खुद ही बलून के साथ बलून बनकर उड़ रहे हैं। पतलू बचाओ मुझे। अरे वाह वाह, देखो देखो, अंकल तो उड़ भी सकते हैं। वाओ, अंकल तो उड़ते हुए डांस भी कर सकते हैं। अरे मोटू तो अपने आप में ही बलून जैसा है, उसको किसी बलून की क्या जरूरत है? ग्रेट अंकल, ग्रेट, आप कितना अच्छा उड़े थे। एक बार फिर से उड़कर दिखाइए ना, प्लीज प्लीज प्लीज। बड़ा मजा आया था सच्ची। बच्चों को आया मजा और मेरे हिस्से आई सजा। बाबा, मेरी तो हड्डी पसली टूट गई। वाह बॉस वाह, क्या तोड़ू कविता कही है। नालायक, यहाँ मैं टूट फूट गया और तुझे कविता की पड़ी है। मोटू, तुम सही सलामत नीचे आ गए, अच्छा हुआ। अब बलून को छोड़ो, कुछ और स्टार लगाते हैं। थैंक यू मोटू पतलू अंकल, हमने ऐसे पॉपकॉर्न कभी नहीं खाए। नहीं नहीं, मैं यहाँ मोटू पतलू के स्टॉल का बंटाधार करने के लिए नए नए प्लान बना रहा हूँ और वहाँ बच्चे और भी ज्यादा खुश हो रहे हैं। मेरे सारे शैतानी दिमाग के प्लान फेल हो रहे हैं। इस तरह तो मोटू पतलू बेस्ट सिटीजन ऑफ फुरफुरी नगर बन जाएंगे।
बस बस मेरी बात पर गौर फरमाओ, मोटू पतलू को बेस्ट सिटीजन बन जाने दो। वैसे भी आप तो कभी भी फुरफुरी नगर बेस्ट सिटीजन नहीं बन सकते, फिर पंगा किस बात का है? मेरा मतलब है आपको तो बेस्ट डॉन बनना है ना, तो बेस्ट सिटीजन के अवार्ड से क्या लेना देना? मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा। वैसे भी किसी ने कहा है, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। जॉन बनेगा डॉन। और बस बार बार हारने वाले तो अच्छा सवाल है। नंबर वन, इसे कोने में ले जाकर जवाब समझा दो। मार छुटिया बम्बड़ वाले नो, मेरे भाई मेरे यार, ये सब क्या चल रहा है मोटू पतलू? तुम्हारे स्टॉल पर तो बच्चों की हैप्पी एंट्री हो रही है, पर बाद में ये क्या हो जा रहा है यारी? कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है यारी। डॉक्टर झटका, पल्ले तो हमारे भी कुछ नहीं पड़ रहा। ऐसा लगता है कि कोई तो है जो बार बार हमारे काम में रोड़े अटका रहा है। हम तो बोलता है कि तुम दोनों अब स्टॉल ही मत लगाओ, कुछ और सोचो। पतलू, खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती, तुम ही कुछ अलग सोचो। आइडिया, अब हम लोग स्टॉल नहीं लगाएंगे बल्कि सबको हॉट एयर बलून में सैर करवाएंगे। जय हो। पतलू, ये हुआ ना कुछ हटकर। बच्चों, खेलना खिलाना तो बहुत हो गया, अब हम लोग तुम सबको इस बड़े से बलून में हवाई सैर करवाएंगे। ये! हम सब बलून में बैठकर हवा में उड़ेंगे, बड़ा मजा आएगा। तो बच्चों रेडी, पहले लॉट में बच्चे घूमने चलेंगे, उसके बाद बड़े लोगों का नंबर आएगा। चलो सब लाइन से चलकर बलून में बैठ जाओ। अंकल अंकल, बलून उड़ रहा है, हमको बचाइए अंकल। अंकल प्लीज 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 जल्दी आइए ना अंकल, हमें बहुत डर लग रहा है। बच्चों डरना मत, हम अभी आते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ कर रहना। माटू उधर, जल्दी। बारी बारी। I am proud of you, मोटू पतलू। एक बार फिर तुम दोनों ने अपनी बहादुरी और सूझबूझ का परिचय दिया है। बच्चों, अब मेले का टाइम खत्म हो गया है और शाम भी होने वाली है। आप लोग अगली बार बलून राइड लीजिएगा। अब टाइम है बेस्ट सिटीजन के अनाउंसमेंट का। बच्चों, आज का दिन आपका है, आप लोग ही बताइए कि फर्स्ट प्राइज किसके स्टॉल को मिलना चाहिए। मोटू पतलू अंकल, मोटू पतलू अंकल। लो, बच्चों ने खुद ही विनर का फैसला कर लिया है। मोटू पतलू आज के फर्स्ट प्राइज के विनर हैं। मोटू पतलू को बेस्ट सिटीजन ऑफ ईयर अनाउंस किया जाता है। मोटू पतलू, मोटू पतलू। ये कौन बच्चा रो रहा है? किसने रो रहा है? ऐ बच्चे, हंसते हंसते रोना सीखो, रोते रोते हंसना। मोटू पतलू हमेशा ही जीत जाते हैं।
मैं इनके खिलाफ कोई भी प्लान बनाता हूँ सब उल्टा पड़ जाता है। पता नहीं ये दोनों कौन सी जड़ी बूटी खा कर जमीन पर उतरे हैं। ऐसी जमीन पर मुझे नहीं रहना है, नहीं रहना है जहाँ सिर्फ मोटू पतलू की ही जय जयकार होती है। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। बॉस, आपके बिना हम यहाँ क्या करेंगे? हमको भी अपने साथ ले चलो। बॉस, बॉस, हमें अंदर तो ले लो बॉस, मैं गिर जाऊंगा। आ जाओ। बहुत बहुत मोटू पतलू तो फिर से बाजीगर बन गए। अरे घूरना बंद करो, पहले सब्सक्राइब करो।